आज हम बनाएंगे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के लिए बहुत ही टेस्टी और हेल्दी नाश्ता। ये नाश्ता मिनटों में बनकर तैयार हो जाता है, बहुत ही सॉफ्ट बनता है, जालीदार बनता है और खाने में टेस्टी भी। आप इसे बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पीएम रसोई में। नाश्ता बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक कप सूजी ली है। सूजी आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे बारीक सूजी ली है, आप चाहो तो मोटी सूजी भी ले सकते हैं। यदि मोटी सूजी ले रहे हैं तो उसे मिक्सी में पीस लीजिएगा। अब सूजी को हम एक बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल लिया है, बाउल में हम इसे ट्रांसफ़र करेंगे। अब इसमें हमें दही डालना है, तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल फ्रेश दही लिया है। फ्रेश दही का ही यूज़ कीजिएगा, नाश्ता का टेस्ट अच्छा आएगा, खट्टे दही से उतना अच्छा नहीं आ पाता है। तो 4 चम्मच के करीब मैंने इसमें दही डाल दिया है। अब जितना हमने सूजी लिया है उतना ही हम पानी डालेंगे। यदि आप मोटी सूजी ले रहे हैं तो पानी थोड़ा सा ज़्यादा लग सकता है। अब इसे अच्छी तरह से हमें फेंट लेना है ताकि इसमें कोई लम्स वगैरह ना हो। तो लगभग 2 मिनट के करीब मैं इसे फेंट लेती हूँ। तो ये देखिए, मैंने इसे 2 मिनट तक फेंट लिया है और ये अच्छी तरह से फिट गया है। इसमें कोई भी लम्स वगैरह नहीं है, बस इसी तरह से हमें इसे फेंट लेना है। अब इसकी कंसिस्टेंसी को हम चेक करते हैं। ये देखिए, इस तरह का हमें इसे रखना है। इसे हमें बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना है। यदि ये बैटर पतला हो गया तो नाश्ता हमारा अच्छा नहीं बन पाएगा। तो चलिए, अब इसमें हम नमक भी डाल देते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1/2 छोटा चम्मच नमक डाला है, आप अपने स्वाद अनुसार डाल दीजिएगा। अब नमक को भी हमें इसमें अच्छी तरह से मिला देना है। तो नमक को भी मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इसे हम ढक देंगे और ढक कर 10 से 15 मिनट के लिए सेट होने देंगे ताकि जो सूजी है अच्छे से फूल जाए। जब तक ये फूल रहा है हम नाश्ते के लिए स्टफिंग बनाएंगे। तो गैस पे मैंने पैन गर्म होने के लिए रख दिया है। इसमें हम 2 छोटा चम्मच तेल डालेंगे। तेल को गर्म होने देना है। तेल गरम हो चुका है तो इसमें हम 1 छोटा चम्मच राई और 1 छोटा चम्मच जीरा डालेंगे। इन्हें हल्का सा चटकने देना है, इनका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए। तो इसे हम चला भी देते हैं और ये देखिए, इसका कलर चेंज हो गया है। तो इसमें हम 1 छोटा चम्मच ब्राउन वाली तिल डाल देते हैं। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। आप तिल कोई भी ले सकते हैं, ब्राउन, ब्लैक या फिर वाइट वाली। अब यहाँ पे हमें मिर्ची डालनी है। तो यहाँ पे मैंने 2 हरी मिर्च ली है, 1 मिर्च लाल हो गई है, इन्हें भी मैंने बारीक काट के डाल दिया है। 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, अदरक के टुकड़ों को मैंने क्रश करके डाला है। अब इसे भी कच्चापन हटने तक पका लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। तो ये देखिए, ये पक गए हैं। तो अब इसमें हम प्याज डाल देते हैं। 1 बड़ी साइज़ की प्याज ली है, प्याज को मैंने बारीक काटा है। प्याज को भी हम 1 मिनट तक भून लेंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। बहुत ज़्यादा इसका कलर नहीं चेंज करना है, बस इसे सॉफ्ट करना है। तो ये देखिए, प्याज का भी कलर चेंज हो गया है। तो अब इसमें हमें सोयाबीन बड़ी डालना है। तो यहाँ पे मैंने 50 ग्राम के करीब सोयाबीन बड़ी ली है। बड़ियों को मैंने उबाल कर इनका पानी निचोड़ लिया है और इसे मिक्सी में हल्का दरदरा पीस लिया है। अब इसे भी हमें हल्का ब्राउन होने तक चलाते हुए भून लेना है ताकि जो इसका कच्चापन है हट जाए। बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, बस इसका जो कच्चापन है वो हट जाए। तो ये देखिए, ये भी भुनना शुरू हो गई है, इसका कलर चेंज होने लगा है। अब इसमें हम गाजर डाल देते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 गाजर को ग्रेट करके लिया है। सब्जियाँ इसमें ग्रेट करके ही डालिएगा। सब्जियाँ आप अपने मनपसंद की इसमें कोई भी डाल सकते हैं, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी। सब्जियाँ डालने से ये नाश्ता और भी हेल्दी हो जाएगा। यदि हो तो डाल दीजिए, ना हो तो बिना सब्जियों के भी ये नाश्ता बहुत ही टेस्टी और हेल्दी बनता है। तो गाजर को भी हम 1 मिनट चलाते हुए सॉफ्ट होने तक पका लेते हैं। तो ये देखिए, गाजर भी हमारी सॉफ्ट हो गई है, बस इतना ही इसे पकाना है। तो अब इसमें हम आलू डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने 3 बड़े साइज़ के आलू लिए हैं। आलू को मैंने उबाल कर ठंडा कर लिया था। ठंडा करने के बाद इसे अच्छी तरह से मैश कर लिया है। आप चाहो तो कद्दूकस भी कर सकते हैं। अब आलूओं को भी अच्छे से इसमें मिला देना है ताकि सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएँ। तो ये देखिए, मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इसमें हम सूखे मसाले डालेंगे। तो सूखे मसालों में 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डाल दिया है, 1 छोटा चम्मच तीखी वाली लाल मिर्च डाल दी है, आप चाहो तो काश्मीरी भी डाल सकते हैं, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला, 1/2 छोटा चम्मच चाट मसाला और स्वाद अनुसार इसमें नमक डाल दिया है। नमक बहुत ज़्यादा मत डालिएगा क्योंकि नमक हमने सूजी में भी डाला है।
अब सभी मसालों को भी अच्छी तरह से मिला लेना है ताकि मसाले जो हैं सारे स्टफिंग में अच्छे से मिक्स हो जाएं। और ये देखिए सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं, ये बनकर तैयार है। तो अब इसमें हम धनिया की पत्ती डाल देते हैं। धनिया की पत्ती को भी एक बार अच्छे से मिला देना है। तो ये लीजिए स्टफिंग हमारी बनकर तैयार हो गई है। अब स्टफिंग को हम थोड़ी देर ठंडी होने देंगे। जब तक ये ठंडी हो रही है तो हम बैटर भी चेक कर लेते हैं। और ये देखिए बैटर भी हमारा बहुत अच्छे से फूल चुका है, अच्छे से सेट हो गया है। तो इसे फिर से हम एक बार चला लेते हैं। और ये देखिए कितना स्मूथ दिख रहा है, बहुत ही अच्छे से ये फूल चुका है। ये देखिए और इसकी कंसिस्टेंसी हम मुझे थोड़ा सा भी गाढ़ी लग रही है क्योंकि सूजी जो थी पानी को एब्जॉर्ब कर ली है। तो थोड़ा सा पानी हम इसमें और डाल देते हैं, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, बस 3 से 4 चम्मच मैंने इसमें डाल दिया है। और ये देखिए इस तरह से जब हम चम्मच से गिराएं तो ये रिबन के जैसे ना गिरे, बस थोड़ा सा रुक रुक कर गिरे। इसी तरह से हमें बैटर को तैयार करना है। अब इस बैटर को और भी टेस्टी बनाने के लिए एक हम तड़का तैयार करेंगे। तो यहाँ पे मैंने पैन गरम होने के लिए रख दिया है। पैन में 1 छोटा चम्मच तेल डाल दिया है, तेल गरम है तो 1 छोटा चम्मच राई, 1 छोटा चम्मच जीरा, गैस को मैंने बंद कर दिया है क्योंकि तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, 1 छोटा चम्मच तिल डाल दिया है, तिल से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, और 1 लाल मिर्च को मैंने बारीक काट के डाल दी है, इसके जगह पे आप चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं, 10 से 12 करी पत्ते डाल दिए हैं, इन्हें चला लेना है। और सभी मसाले अच्छे से चटक चुके हैं तो अब इसे हम मिश्रण में डाल देते हैं। इस तड़के से बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है नाश्ते का, ज़रूर डालिएगा। अब तड़के को भी हम अच्छी तरह से मिला देते हैं सारे बैटर में। तो ये लीजिए ये भी अच्छे से मिक्स हो गया है, मैंने इसे अच्छी तरह से फेंटते हुए मिला दिया है। बस इसी तरह से हमें इसे मिक्स करना है। तो ये अच्छे से मिक्स हो चुका है, अब हमें इसमें बेकिंग सोडा डालना है। तो पहले मैं इसे अलग आधा ट्रांसफ़र कर लेती हूँ क्योंकि एक साथ हम इसमें बेकिंग सोडा डालेंगे तो उसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं आएगा। अभी हमें जितना बनाना है उतने में हम बेकिंग सोडा डाल देते हैं, बाकी का जब हम बनाएंगे तब उसमें भी हम डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने 1/3 चम्मच बेकिंग सोडा लिया है, इसे हम 2 भाग में कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह से अब आधा हम अभी इसमें डाल देंगे और आधे को हम इसी चम्मच में भर के रख देंगे, जब हम नाश्ता बनाएंगे तब हम उसमें डाल देंगे। तो इसमें हमें थोड़ा सा पानी डालना है और बेकिंग सोडे को अच्छी तरह से मिला लेना है। तो ये देखिए अच्छी तरह से मिक्स हो गया है, आप बेकिंग सोडे की जगह पे इनो भी ले सकते हैं। तो चलिए अब हम नाश्ता बनाते हैं। तो यहाँ पे स्टफिंग भी ठंडी हो गई है तो इससे हम छोटी छोटी बॉल्स बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से, बहुत ज़्यादा बड़ी बॉल्स नहीं बनानी है। तो इसे हम गोल करेंगे और इसे हल्का सा चपटा कर देंगे ताकि ये नाश्ता अच्छे से बन सके। तो ये देखिए मैंने इसे हल्का सा चपटा कर दिया है। अब मैंने यहाँ पे वही फ्राई पैन ले लिया है जिसमें मैंने अभी तड़का लगाया था, इसमें ऑयल लगा हुआ है। अब इसमें हम 1.5 चम्मच के करीब ये बैटर डालेंगे। तो ये देखिए मैंने डाल दिया है। अब इसके ऊपर से हम ये आलू वाली टिक्की रख देते हैं और ऊपर से भी हमें इसे कवर कर देना है। तो फिर से हम इसके ऊपर बैटर डालेंगे। तो हमें इतना बैटर डालना है जितने से ये कवर हो जाए, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे। तो ये देखिए अच्छे से कवर हो गया है। तो चलिए अब हम इसे सेंक भी लेते हैं। बहुत ही कम तेल में ये बनकर तैयार हो जाता है और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी। तो गैस मैंने ऑन कर दी है, गैस को हमें बिल्कुल धीमा ही रखना है, हाई फ्लेम पे इसे नहीं पकाना है, नहीं तो ये नाश्ता अच्छे से पकेगा नहीं, जल जाएगा। और इसे हमें ढक देना है, ढक कर हम इसे 1 से 1.5 मिनट तक पकने देते हैं। तो ये देखिए 1.5 मिनट हो चुका है और गैस की फ्लेम को मैंने बिल्कुल धीमा ही रखा था और ये ऊपर से अच्छे से ड्राई हो गया है, ये बिल्कुल अच्छे से पक चुका है। तो हम इसके ऊपर तेल लगा देते हैं। ये देखिए थोड़ा सा हम तेल लगाएंगे और अब इसे हम पलट देंगे। बहुत ही आसानी से पलट जाता है, ये देखिए बिल्कुल भी परेशानी नहीं हो रही, एकदम अच्छे से ये पलट के आ गया है। तो इससे हम दूसरे साइड भी पलट देते हैं। और ये देखिए कितना बढ़िया ये सिका हुआ है। बस इसी तरह से हम दूसरे साइड भी 1 मिनट सेक लेंगे और ये नाश्ता बनकर तैयार हो गया है। ये देखिए दोनों साइड से कितना परफेक्ट सिका हुआ है और ये नाश्ता बहुत ही टेस्टी लगता है। इसी तरह से हम सभी नाश्ते को सेक लेंगे। अब यहाँ पे मैंने इसे सर्व कर लिया है और ये देखिए देखने से ही कितना टेस्टी लग रहा है। मैंने इसे टमाटर सॉस के साथ सर्व किया है, आप चाहो तो इसके लिए हरी चटनी भी बना सकते हैं, उसके साथ भी बहुत अच्छा लगता है। और ये नाश्ता बहुत ही हल्का होता है, टेस्टी होता है, आप इसे शाम की चाय के साथ, बच्चों के टिफ़िन के साथ या ब्रेकफास्ट के साथ कभी भी बनाइए।
उम्मीद है आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिए, बेल आइकॉन की बटन प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।